सांसद महबूब अली केसर का जूता का माला पहना करके आज हम लोग सामूहिक रूप से प्रत्येक जिले में, बिहार के प्रत्येक जिले में हम लोग इसका पुतला दहन कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर के पुतले को दहन किया गया है खगड़िया के किसान नेता धीरेन्द्र सिंह उर्फ टुड्डू सिंह के द्वारा। आपको बता दें कि किसानों के जो मक्का है वो मक्का घरों में सड़ने के लिए बेबस हो रहा है, किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है और टुड्डू सिंह ने सीधा आरोप लगा रहा है खगड़िया के सांसद पर कि आखिरकार किसानों के दामों पे, जो मिलने वाले दामों पर सांसदों का चुप्पी क्यों है, क्यों नहीं कि लोकसभा के सदनों पर जो है पटलों पर आवाज क्यों नहीं उठाया जाता है किसानों का। जो किसान दिन रात अपनी जीतोर मेहनत कर फसल को उगाते हैं और जब उन्हें दाम मिलने की बारी आती है तो औने पौने दामों पर क्यों बेचना पड़ता है इन किसानों को। आखिरकार कब तक इन किसानों के साथ सौतेला व्यवहार होगा। सरकार भले ही दाम को निर्धारित किया है लेकिन उन दामों पर लेने वाला कौन है। सरकार क्यों नहीं खुद क्रय करती है किसानों के फसल को। खेती बड़े पैमाने पर होती है लेकिन यहाँ के मक्का के किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। धीरेन्द्र सिंह क्या कुछ कर रहे हैं, जमकर बिफर रहे हैं सांसदों पर, जरा सुन लीजिए। आज देश का किसान, बिहार का किसान त्रस्त है और ऐसी स्थिति में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों का अनाज नहीं बिक रहा है। लोग आज त्राहिमाम की स्थिति में है। बिहार किसान मंच के बैनर तले आज देश भर का, बिहार का किसान सड़क पर आज अपना प्रदर्शन करके क्षेत्रीय सांसद का पुतला दहन कर रहे हैं। हम सवाल रख रहे हैं अपने सांसद से कि सदन के पटल पर 5 सवाल वो उठावे, भारत सरकार से ये घोषणा करे और रखे बात को कि मक्का का समर्थन मूल्य पर सरकार कब तक खरीद की गारंटी देगी, ये मानसून के सत्र में प्रश्न उठाए हमारे सांसद। दूसरा सवाल है हम लोगों का कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार 1965 से निर्धारित किया है उसको सशक्त कानून का स्वरूप देने के लिए एक विधेयक सदन के पटल में लाए जो व्यापारी कम कीमत पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अनाज खरीदेगा उसको 7 साल की सजा और 2 लाख जुर्माना का प्रावधान सदन के पटल पर क्षेत्रीय सांसद रखे। तीसरा हम लोगों का है कि मक्का पर आधारित जितने भी देश में फैक्ट्रियां हैं कोरोना लेकर के और ये लॉकडाउन को लेकर के बंद है और इसको अभिलंब खोले और मक्का का जो समर्थन मूल्य पर बिकना चाहिए था उसके लिए मार्ग प्रशस्त करे। चौथा हम लोगों का डिमांड है कि मक्का प्राधिकरण बोर्ड का राज्य में और देश में भारत सरकार और राज्य सरकार गठन करे। इस सवाल को भी क्षेत्रीय सांसद सदन के पटल पर उठाए। पांचवा सवाल हम लोगों का है क्षेत्रीय सांसद से कि वो लोग सदन के पटल पर किसान का आवाज जो है वो बने और ये आवाज उठाए सदन के पटल पर, ये मामला उठाए कि देश में जितने भी मक्का उत्पादक राज्य है वहाँ पर मक्का आधारित उद्योग की स्थापना करे। ये 5 सवालों पर आज हम क्षेत्रीय सांसद, जिसने कहा था कि केंद्र सरकार और भारत सरकार सत्तारूढ़ दल के ये सांसद हैं, इन्होंने कहा था कि मक्का उत्पादक किसान घबराए नहीं, सरकार गंभीर है और मक्का का सरकारी खरीद सरकार सुनिश्चित करेगी, आज तक खरीद नहीं हुआ है। हॉलमार्क 916 एवं 750 का सोना एवं चांदी की 100% गारंटी। फैंसी आभूषणों के लिए हमारे यहाँ पधारे। पता है नूतन ज्वेलर्स, मील रोड नियर रिलायंस टावर, आँख के डॉक्टर सतीश कुमार जी के बगल में, खगड़िया।